एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं जा रही हूँ हेयर कट के लिए, देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। अभी को और कुछ नहीं लेना है क्योंकि एक दिन और मैं एक मिनट लाइट बंद कर दूँ। 31st को, 31st को मैं तैयार होकर निकल गई और उस दिन मेरी स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हुई, ख़राब हो गई थी, उसकी बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो फिर देखो कहाँ फंस गया ये, फिर बनने को देना पड़ा और शाम को आई बनकर, तो फिर नहीं हो पाया था। तो आज जा रही हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं होता है। और जहाँ मैं मतलब कटिंग करवाती हूँ ना, वहाँ ने मैंने फ़ोन किया तो वो रिसीव ही नहीं कर रही है, इसलिए कहीं किसी और पार्लर में, मतलब यहाँ पास में ही है, वहाँ जाऊँगी और देखती हूँ वो कैसा करती हैं। क्योंकि जहाँ आप कटवाइए ना वहाँ सही रहता है ना हमेशा, मतलब जहाँ हमेशा कटिंग होती है वहाँ ठीक रहता है, पता रहता है। बाबू चटाई हटा दो, कि वो कैसा करती हैं तो मतलब अच्छा करती हैं, मतलब मुझे उनका मालूम है, पर कहीं और का नहीं पता अभी। और वो फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रही हैं और यहाँ से घर से काफ़ी दूर है वो, और ठंड इतनी ज़्यादा है ना आज तो बिल्कुल। यहाँ धूप का पता नहीं, यहाँ पे धूप पता है 2-2.5 बजे के आसपास थोड़ा सा मौसम खुला है, वरना सुबह से ना एकदम धुंध, पूरा एकदम धुंध छाई हुई थी, बिल्कुल भी मौसम नहीं खुला था। 2-2.5 बजे के आसपास जाकर थोड़ा सा मौसम खुला है। और सुबह मैंने तेल लगाया था इसीलिए कि मतलब बाल कटिंग, हेयर कटिंग करानी थी, मुझे बाल धोना था, पर हिम्मत नहीं हो रही थी धुलने के लिए। और आज सुबह से लाइट भी परेशान की थी, और जो टंकी का पानी है ना उससे बाल धुलना मतलब हालत कर, सर में दर्द उठ जाता है। वैसे ठंड से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती ही है, और लाइट भी आई है सुबह से करते करते। हाँ फिर लाइट आई है 2-2.5 बजे के आसपास आई है। हाँ पहनो, तो मैं जाके मैंने बाल धुला है। कृषि अभी कोचिंग गया है तो मैं भी निकलती हूँ, ताकि उसके आने से पहले मैं कटिंग करवा के आ जाऊँगी। तो चलिए निकलती हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं होता। क्या ले लिए हो? हाँ चाबी ले लिए हो ना? मास्क, आप अपना मास्क लिए हो ना अब? हाँ लाइट बंद कर देती हूँ, इधर अंधेरा रहता है। हाँ सब कुछ ले लियो? अच्छा, और वो स्कूटी की चाबी? अच्छा बस चली चलती हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ पार्लर में, और ये मतलब कॉलोनी से थोड़ा सा ही दूर जाकर, जहाँ मैं करवाती हूँ हमेशा वहाँ तो नहीं गई थी। उनका अगर कॉल मतलब वो रिसीव कर लेती हैं कॉल ना, तो मैं वहीं जाती, क्योंकि न्यू पार्लर करना ना थोड़ा सा रहता है, ख़राब ना हो जाए। और मैं ऐसी जगह बैठी हूँ कि आप लोगों को सब दिख भी नहीं रही हूँ। ये क्लिप अभी ने ले ली थी, एक दो क्लिप बच्चा है बस ऐसे ले, वो ले लिया उसने, वही बड़ी बात है। पर वही थ्रेडिंग करवाई मैंने, उसके बाद कटिंग हो रही है अभी। और क्या था कि अगर मैं सच बताऊं आप लोगों, तो मुझे कटिंग उतनी पसंद नहीं आई थी, करवाने तो मैंने करवा लिया था पर उतने मुझे अच्छे नहीं लगे जितना मैं जहां मैं करवाती हूं हमेशा उनकी काफ़ी अच्छी रहती है, उतना मुझे नहीं इनके पसंद आए। पर ठीक है, बाल काफ़ी लंबे हो गए थे तो करवाना था ही। और आप लोगों को पता ही होगा कि सर्दी में बाल कितने उलझते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनकी केयर करना, देखभाल करना। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, कटिंग करवाया। कटिंग करवाने के बाद मैं चली गई थी मार्केट में, भी मुझे कुछ काम थे, तो वहाँ से फिर आते वक्त मैं समोसे लेते आई थी। और कृषि भी आ चुका है कोचिंग से, तो बस सबने समोसे खाए, उसके बाद काम स्टार्ट हो गया है। और अभी आज गुस्सा भी हो गए थे मुझसे, क्योंकि बच्चों का क्या होता है ना, मॉल वगैरह में जाइए ना तो उन्हें सिर्फ खिलौने की शॉप ही दिखती है। जबकि खिलौने इतने हैं घर में, हर खिलौने मैंने रखे हैं, लेकिन फिर भी उसको मतलब ये जो जैसी भी आता है उससे उसको इतना लगाव है ना, वो हर वक्त मोबाइल भी उसके हाथ में आएगी तो जैसी भी ही सर्च करता रहता है। पर खिलौने हैं बहुत सारे खिलौने, इसलिए मैंने कुछ लिया नहीं, पर वो गुस्सा हो गया था पूरे रास्ते पर, वो मुझसे लड़ते आया है। मैंने काफ़ी इतना मनाया, पर आगे मैं अभी आप लोगों को दोनों की बातें सुनाती हूँ। इतना वो गुस्सा हुआ था ना कि रास्ते भर वो लड़ा आज मुझसे। मैं दस दे हूँ तो, और तुम जो हो ना मुझे पता है। और तो क्या धनी हुआ? अरे बहुत भाई, जैसा कोई मिलेगा नहीं, मॉर्निंग जिस छोड़ देंगे कुछ। हेलो बाय सर, 10.5 खत्म करवाए हैं आज, दो क्वेश्चन करवाए हैं। दो क्वेश्चन? दो क्वेश्चन एक घंटे में? यस, एक घंटे में दो क्वेश्चन। ऐसा कौन सा क्वेश्चन था? तब ऐसे 10.5 के लिए बोला ना मैंने, मैं अपना मैच लगा सकता हूँ आज। एक तरह से तीन क्वेश्चन हो, क्योंकि नहीं क्या लगाना है तुमको?
क्योंकि कल जो नहीं आए थे मुझे वर्क कंप्लीट करना, चल के लर्न करी, आज जो लर्न करने बैठना वो मैं सुनूंगी, ठीक है? ओ चलिए हाँ, जो कल जो क्वेश्चन जो कल नहीं आए थे हाँ। हम लोग जैसे हम लोग तो फर्स्ट क्वेश्चन कल कर लिया था अपने से ही, क्या हाँ बेटा दिन भर आप खेलो और आप जब खाना बनाने का टाइम हो तो चार्ट पेपर ऐसे हो जाता अभी तक तो तो अभी लड़ाई वगैरह करके अभी चला गया है अपना पढ़ाई करने के लिए, और मैं यहाँ बना रही हूँ खाने। तो खाने में आज मैं बना रही हूँ आलू मटर के जो हरी मटर आती हैं उसके पराठे, जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। और सर्दियों में तो मतलब पूछना, सर्दियों में ये वैसे मटर के अच्छे ही लगते हैं, गर्मियों के सीजन में तो मटर जो आते हैं वो तो मतलब से ताज़ा मटर नहीं आते हैं ना, फ्रोजन वाले मटर आते हैं तो उनके तो वैसे नहीं उतने अच्छे लगते हैं, पर जो ताज़े मटर आते हैं उनके मतलब पराठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बस पराठे बनाऊंगी और साथ में टमाटर धनिया की चटनी बनाऊंगी, और थोड़ा सा चावल दिन का बच गया है तो उसे पका के मैं ऐसे सिंपल से पका देती हूँ, दूध में खीर की तरह हो जाती है तो उसको कर दूंगी। तो बस यहाँ सारी तैयारियाँ कर ले रही हूँ मैंने, जो आलू मैंने काटे थे छोटे छोटे, तो आलू मटर को मैंने छौंक लगा दिया है उसको, मतलब लहसुन जीरा और हरी मिर्च से मैंने छौंक लगा दिया। उसके बाद उनको ऐसे ही मतलब थोड़ा सा मैश कर दूंगी, तो उसके बाद मसाले वगैरह मैं कुछ नहीं डालूंगी, सिर्फ हरा लहसुन धनिया नमक मिर्च और साथ में हाँ बस इतनी चीज़ें डालूंगी, लहसुन मिर्च हरा धनिया और जीरे से मैंने तड़का लगाया, हरा धनिया बाद में डाल दूंगी ऊपर से। तभी मैं चटनी तैयारी कर लेती हूँ और आटा वगैरह सब कुछ लगा के मैं अभी रख दूंगी, बाद में सिर्फ मुझे पराठा सेकना रहेगा। सारी कर दी है खाने की, जो आलू मटर मैंने छौंक लगाया था उसको मैश कर दिया है, धनिया पत्ती रख दे रही हूँ उसके ऊपर, बाद में उसको मिला दूंगी, और जो चावल बचे थे उनको भी पका दिया है, साथ में आटा भी लगा के रख दिया है। तो अभी जाऊंगी बच्चों के पास थोड़ी देर बैठूंगी और उसके बाद आऊंगी पराठा बनाने के लिए। तो अभी बज गए हैं रात के 8 बज रहे हैं, सारी तैयारियां करने के बाद मैं चली गई थी अभी के पास, अभी को थोड़ा सा मैंने तो कुछ क्वेश्चन वगैरह दिए जो वो लर्न कर रहा था, फिर उसने अपना आंसर लिखा, और थोड़ा सा ना बच्चों के पास शाम को मतलब होता है जब वो पढ़ने बैठते हैं थोड़ा सा बैठना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वैसे ना और अभी को तो वैसे नींद आने लगती है अगर उसके पास कोई ना बैठे ना बोले तो, पढ़ते समय तो बच्चों का पता है एक दिन भर खेलते हैं तो शाम को लगते हैं वो जल्दी सोने के लिए, तो बस थोड़ा सा पूछा वगैरह उनसे और उसके बाद आ गई यहाँ पराठे बनाने के लिए। तो बस पराठे बना लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। का हमारा खाना ये आलू और मटर के पराठे, धनिया और टमाटर की चटनी, और साथ में जो चावल सुबह के बच गए थे उसको मैंने पका दिया है, तो ये आज का हमारा खाना। तो बस एंड करती हूँ वीडियो का, गुड नाइट, और पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।